हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एंजियोस्पर्मिक फैमिली, लेग्यूमिनेसी यानी कि फेबेसी से रिलेटेड। ये जो फैमिली है ये बहुत बड़ी फैमिली है जिसे 3 सब फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। तो इसकी तीनों ही सब फैमिलीज को हम अलग अलग लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इसकी जो सब फैमिली देखने वाले हैं वो है पेपिलियोनेटी या लटोइडी। तो देखिए, सबसे पहले सिस्टमिक पोजीशन जाने कि फेबेसी या लेग्यूमिनेसी जो है इसका क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है। तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग फेबेसी का ये क्लासिफिकेशन है डिवीजन एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन डाइकोटिलेडनली, क्लास पॉलीपिटेली, सीरीज कैल्सीफ्लोरी, ऑर्डर रोजेस एंड फैमिली फेबेसी और लेग्यूमिनेसी। ठीक है, अब इस फैमिली के फीचर्स क्या क्या हैं। तो ये जो फैमिली है इसमें मेंबर्स में अलग अलग टाइप की हैबिट देखने को मिलती है। ये हर्ब हो सकते हैं, शर्ब हो सकते हैं, क्लाइंबर हो सकते हैं या फिर ट्रीज हो सकते हैं। साथ ही साथ इनमें इनकी जो नोडुलेटेड रूट्स होती हैं उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो लीव्स है वो अल्टरनेट एंड स्टिपलेट होती है। लीव बेस जो है स्वॉलन होता है जिसे कि पल्विनस कहा जाता है, और इनके अंदर स्लिपिंग मूवमेंट प्रेजेंट होता है। तो पल्विनस जो लीव बेस होता है इसका मतलब कि जहाँ से लीफ जो है स्टेम से जुड़ी होती है वहाँ का हिस्सा जो है फूला हुआ होता है, इसे पल्विनस लीफ बेस कहते हैं। साथ ही साथ इनका जो इन्फ्लोरसेंस है वो ज़्यादातर रेसिमोस टाइप का होता है। ये है रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरसेंस जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई भी टर्मिनल फ्लावर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। साथ ही साथ जो ऑयल फ्लावर हैं वो नीचे की तरफ हैं जबकि जो यंग फ्लावर हैं वो एक्सिस की ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। गाइनोसियम जो है इनकी वो मोनोकार्पिलरी होती है, यूनिलोक्युलर होती है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। देखिए, इस तरीके का होता है मार्जिनल प्लेसेंटन जिसके अंदर ओवरी जो है मार्जिन से लगी हुई होती है, या प्लेसेंटा और मार्जिन एक साथ होती है जैसा कि मटर में हम देख सकते हैं। फ्रूट जो है इनके लेग्यूम या पोड होते हैं, फली जिसे कहते हैं वो इनके फ्रूट होते हैं जैसे मटर बीन्स में आप देखते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही सीवनी के साथ यानी कि सटर के साथ फटते हैं। अगर आपने मटर के छिलके को छिला है तो आपने देखा है कि वो दोनों तरफ से छिलता है, ये मटर का जो छिलका है दोनों तरफ से छिलता है। सेम इसी तरीके से बीन्स में भी अगर आप देखेंगे तो दोनों ही तरफ से वो जो है फटता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो फैमिली है ये तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली है एंजियोस्पर्म्स की, जिसके अंदर 690 जेनेरा और 17,600 स्पीसीज प्रेजेंट है। इसे लेग्यूम फैमिली भी कहते हैं। ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडिया में ये फैमिली जो है उसकी 1100 स्पीसीज और 100 जेनेरा जो हैं वो प्रेजेंट हैं। हचिंसन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू हचिंसन 1969 ये जो फैमिली है उसकी उसका जो ओरिजिन है वो इस इवोल्यूशन सीरीज में हुआ है कि पहले मैग्नोलियल्स डेवलप हुए, मैग्नोलियल्स के बाद डिलिनियल्स डेवलप हुए, उनके बाद रोजेस डेवलप हुए जिसके अंदर ये फैमिली आती है। बेंथम और हुकर जो है उन्होंने इस फैमिली को 3 सब फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया था। ये 3 सब फैमिलीज हैं पेपिलियोनेटी, सीजलपिनोइडी एंड माइमोसिडी। लेकिन अगर हम बात करें तो एडवांस क्लासिफिकेशन में ये जो सब फैमिलीज हैं उन्हें कंप्लीट फैमिली माना गया है, लेकिन अभी भी हम इन्हें सब फैमिली के रूप में ही पढ़ते हैं। तो कंप्लीट फैमिली जब इन्हें माना गया तो इनका नाम चेंज होकर के पेपिलियोनेसी, सीजलपिनेसी और माइमोसी हो गया है। ये तीनों की तीनों जो फैमिली सब फैमिलीज हैं इनमें बहुत सारे डिफरेंट देखने को मिलते हैं। आज जो सब फैमिली हम देखने वाले हैं वो सब फैमिली है पेपिलियोनेटी या लटोइडी। ठीक है, सबसे पहले देखें कि कहाँ पर ये फैमिली जो है पाई जाती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ कहाँ होता है। इस फैमिली का जो नाम है वो फेमस नाम इसे पी फैमिली के रूप से नाम से जाना जाता है, और ICBM के हिसाब से जो नया नाम इसको दिया गया है वो है लटोइडी। बाद में इसे कंप्लीट फैमिली के रूप में प्रमोट कर दिया गया और इसे पेपिलियोनेसी के नाम से जाना जाने लगा। वर्ल्ड वाइड सब फैमिली है जिसके अंदर 482 जेनेरा और 12,000 स्पीसीज प्रेजेंट है। इंडिया में इसके लगभग 100 जेनेरा और 750 स्पीसीज प्रेजेंट है। टैक्सोनॉमी देख लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हैबिट एंड हैबिटाट। तो ज़्यादातर जो हैं वो एनुअल या पेरेनियल होते हैं यानी कि वार्षिक या बहुवार्षिक होती हैं। हर्ब
होती हैं। तो हर्प के एग्जाम्पल हैं मेलिलोटस, मेडिकागो एंड लेथायरस। लेकिन कुछ टेंड्रिल क्लाइंबर भी इसमें प्रेजेंट होते हैं जैसे पाइसम सटाइवम। कुछ श्रब इसमें प्रेजेंट होती हैं जैसे कैजेनस एंड क्रोटोलेरिया। कुछ ट्रीज हैं जैसे डेलबर्जियासी, सो जिसे शीशम का वृक्ष कहते हैं। और स्पेशल जीरोफिटिक प्लांट इसमें पाया जाता है जिसका नाम है अलागी। ठीक है, रूट की बात करें तो रूट जो है इनमें टैप रूट सिस्टम होती पाया जाता है। और ये रूट्स जो हैं वो नोड्यूलेटेड होती हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ज़्यादातर इनके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो राइजोबियम होता है। ये बैक्टीरिया जो है एटमोसफेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। स्टेम की बात करें तो स्टेम जो है वो इनका या तो इरेक्ट हो सकता है यानी सीधा खड़ा हो सकता है या क्रीपिंग हो सकता है। सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड, ज़्यादातर हर्बेशियस या ट्वीनर या क्लाइंबर इनमें देखने को मिलते हैं। ट्रीज कम देखने को मिलते हैं। लीव्स की बात करें तो लीव्स जो हैं स्टॉक्ड होती हैं, इनकी स्टॉक प्रेजेंट होता है। स्टिपुलेट होती है यानी कि स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और अल्टरनेट होती है जैसे कि ट्राइफोलियम और मेडिकागो में देखने को मिलती है। जनरली स्टिप्यूल्स जो हैं एडनेट होते हैं, लेकिन सस्वीनिया में फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एडनेट का मतलब होता है जब स्टिप्यूल्स चिपके हुए पाए जाते हैं, हिंदी में कहें तो संलग्न होते हैं। ठीक है, तो जनरली तो एडनेट होते हैं लेकिन फ्री स्टिप्यूल्स जो हैं वो सस्वीनिया में देखने को मिलते हैं। लीव्स जो है वो कोलाइन एंड रेमल हो सकती है, या तो स्तंभिक या मूलज हो सकती है। डेस्मोडियम गायरेंस जो है जिसे कि इंडियन टेलीग्राफ प्लांट कहते हैं, इसके अंदर दो लेटरल लीफलेट प्रेजेंट होते हैं जो कि जिनमें कि ऑटोनोमस मूवमेंट देखने को मिलता है। पाइसम और लेथायरस ओडोरेटस जो हैं इनकी कुछ ऊपर की जो लीव्स हैं वो टेंड्रिल्स के अंदर मॉडिफाई हो जाती हैं। देखिए ये पाइसम है, पाइसम में देखेंगे तो ऊपर की जो लीव्स हैं लीफलेट जो हैं वो टेंड्रिल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। लेथायरस अफेका में बात करें तो इसमें पूरी की पूरी लीफ जो है वो टेंड्रिल के अंदर मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, इनकी लीव जो हैं उनका लीफ बेस पल्विनस होते हैं। पामेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं जैसे कि ट्राइफोलियम और मेलिलोटस में देखने को मिलती है। लीव्स जो हैं साइसर के अंदर पिनेटली कंपाउंड होती हैं और रेटिकुलेट वेनेशन इनकी लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। इन्फ्लोरसेंस की बात करें तो इस सब फैमिली में जो बेसिक इन्फ्लोरसेंस है वो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरसेंस होता है। रेसिमोस रेसिम दिखता है मेलिलोटस एल्बा में, ये मेलिलोटस एल्बा का इन्फ्लोरसेंस है। और इस तरीके का इन्फ्लोरसेंस उनके अंदर होता है जिसमें ओल्ड फ्लावर नीचे की ओर, यंग फ्लावर ऊपर की ओर प्रेजेंट होते हैं और कोई भी टर्मिनल फ्लावर इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। यूरेरिया के अंदर स्पाइक टाइप का इन्फ्लोरसेंस देखने को मिलता है। ये देखिए, ये है स्पाइक टाइप का इन्फ्लोरसेंस। इनके अंदर क्या होता है, इसमें टू टाइप के फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो डार्क पिंक कलर के फ्लावर आपको दिख रहे हैं, ये पिंक फ्लावर जो होते हैं वो स्टराइल होते हैं, बाकी के फ्लावर जो हैं वो फर्टाइल होते हैं। तो इस तरीके का देखने को मिलता है। और मोस्टली यहाँ जो फ्लावर हैं वो ससाइल होते हैं, मतलब उनमें स्टॉक प्रेजेंट नहीं होती। ट्राइफोलियम के अंदर हेड या कैपिटुलम टाइप का इन्फ्लोरसेंस देखने को मिलता है। इस टाइप का इन्फ्लोरसेंस होता है जिसमें आउटर साइड के अंदर ओल्डर फ्लावर और सेंटर के अंदर यंगर फ्लावर होते हैं। और जो इसका ट्राइफोलियम है इसका इन्फ्लोरसेंस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जबकि लेथायरस में बात करें तो इसके अंदर सॉलिटरी एक्जिलरी होता है, यानी कि एक्जिल से निकलता है एक सॉलिटरी फ्लावर। तो इस तरीके का इन्फ्लोरसेंस होता है। देखिए, यहाँ से एक्जिल से एक सॉलिटरी फ्लावर जो है वो निकल रहा है। टेफ्रोसिया जो है इनके अंदर रेसिम्स ऑफ साइंस देखने को मिलता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एक ही साइड के अंदर जो है फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। ये देखिए, ये है टेफ्रोसिया परप्यूरिया जिसके अंदर इस टाइप का इन्फ्लोरसेंस देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फ्लावर की, तो इनमें जो फ्लावर होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, ब्रैक्टिएट ब्रैक्यूलेट होते हैं, यानी कि ब्रैक्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेडिसिल प्रेजेंट होती है इसीलिए पेडिसिलेट होते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि दोनों ही सेक्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जाइगोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस या एपिगाइनस होते हैं और पेंटामेरस यानी कि पंचतई होते हैं। तो ये देखिए, ये है हाइपोगाइनस फ्लावर और ये है एपिगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस के अंदर ओवरी जो है सारे के सारे फ्लावर साइकिल से ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, यानी कि ओवरी जो है यहाँ पर सुपीरियर होती है।
जबकि एपिगाइनस फ्लावर में बात करें तो एपिगाइनस फ्लावर के अंदर ओवरी जो है एक थैलेमस के अंदर या कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर धसी हुई होती है, ठीक है। तो इसमें हाइपोगाइमस या एपिगाइनस दोनों ही टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। सारे के सारे फ्लावर जो हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि और ज़्यादातर इनमें जो फ्लावर होते हैं वो क्लिस्टोगेमस होते हैं। क्लिस्टोगेमस यानी कि जल्द खुलते ही नहीं हैं, इसीलिए इनमें सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। अब देखते हैं इसका कैलिक्स कैसा होता है। 5 सेपल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, गैमोसेपल्स होते हैं, यानी कि जो सेपल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। जो ऑड सेपल होता है वो एंटीरियर होता है। एस्टिवेशन जो है इसके अंदर वेलवेट या असेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है। वेलवेट के अंदर देखिए कोई भी सेपल जो है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता, जबकि जब हम असेंडिंग इम्ब्रिकेट की बात करते हैं तो एक पूरा अंदर और एक पूरा बाहर होता है, और बाकी जो सेपल्स हैं वो एक ऊपर और एक अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। कोरोला की बात करें तो पेटल्स इसके अंदर 5 होते हैं। पॉलीपेटलस होता है, मतलब कि जो पेटल्स हैं वो फ्री होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। बटरफ्लाई शेप का कोरोला इसमें देखने को मिलता है, जिसे पेपिलोनिसिस कोरोला कहते हैं, जिसके अंदर डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट या वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने को मिलता है। पोस्टीरियर पेटल जो कि सबसे बड़ा होता है वो सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा 2 लेटरल जो पेटल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, जिन्हें विंग्स या एली कहते हैं, जबकि जो 2 एंटीरियर पेटल्स हैं वो कंबाइन होकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कील या कैरिना कहते हैं। पेटल्स जो हैं लेस्पेडीजा के अंदर नहीं पाए जाते। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, गेमोसेपलस और पॉलीपेटलस, यानी कि सेपल्स फ्यूज और पेटल्स जो हैं फ्री होते हैं। इस टाइप का फ्लावर स्ट्रक्चर इसमें होता है। ये एक सबसे लार्जेस्ट पेटल होता है, ठीक है। ये वाले जो 2 पेटल हैं ये विंग्स कहलाते हैं, और जो ये नीचे वाले 2 पेटल हैं ये जुड़ करके कील या कैरिना कहलाते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है, जिसे बटरफ्लाई शेप कोरोला कहते हैं। और जो एस्टिवेशन की बात हो रही थी, ये देखिए इस तरीके का डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट या वैक्सिलरी एस्टिवेशन इसमें देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ा वाला है, ये नीचे की तरफ जो है वो कील यानी कि जो पेटल्स जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये जो दोनों पेटल्स हैं इन्हें विंग्स कहते हैं। तो इस तरीके का एस्टिवेशन जो है इसमें देखने को मिलता है। एंडोसीम की बात करें तो इसमें 10 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डाईएडल्फस कंडीशन यानी कि 1+9 में पाए जाते हैं, यानी कि एक स्टेमन फ्री होता है, बाकी 9 स्टेमन जो हैं आपस में फ्यूज होकर के एक क्यूब शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। अरेकिस हाइपोजिया और डेल्बर्जिया सीसों के अंदर सिर्फ 9 स्टेमन ही प्रेजेंट होते हैं। ये जो टर्मिनल 1 स्टेमन है वो इसमें नहीं पाया जाता, इसे मोनोएडल्फस कंडीशन कहते हैं। क्रोटोलेरिया और पोंगामिया में बात करें तो इसमें सारे के सारे स्टेमन्स जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं और मोनोडेल्फस कंडीशन बनाते हैं। सोफोरा जो है इसमें सारे के सारे स्टेमन्स एक दूसरे से फ्री होते हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, जिसे पॉलीएंड्रस कहते हैं। एंथनलोब जो हैं वो डाईथिकस होते हैं, देखिए थिका इसमें जिसको बोलते हैं, अगर इस तरीके के एंथर्स प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें मोनोथिकस कहते हैं। लेकिन अगर ये 4 हैं, समझ रहे हैं आप, ये 2 इधर की तरफ और 2 इधर की तरफ, इस तरीके से 4 अगर होते हैं तो उसे डाईथिकस कहते हैं। डॉर्सी फिक्स्ड होते हैं, यानी कि ऐसे पीछे की तरफ जो है ये अटैच होता है फिलामेंट। इंट्रोस होते हैं, यानी कि जब ये पोलन को रिलीज करते हैं तो फ्लावर के सेंटर की ओर करते हैं, यानी कि फ्लावर के अंदर की तरफ जो है ये पोलन्स को रिलीज करते हैं। और जब ये डहिस होते हैं तो स्मॉल पोर्स में डहिस होते हैं। गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम जो है इनकी मोनोकार्पिलरी होती है, सुपीरियर ओवरीज में प्रेजेंट है, यूनिलोक्युलर होती है, मार्जिनल प्लेसेंटन इसमें देखने को मिलता है। तो हर एक लोक्यूल में सिर्फ एक ही ओव्यूल जो है प्रेजेंट होता है। स्टाइल जो है या तो सिंपल होती है, स्लाइटली कर्व्ड होती है। स्टिग्मा जो है या तो कैपिटेट होती है या फिर पाइसम में इस तरीके की शॉर्ट
शेप्ड यानी कि तलवार जैसी स्टिग्मा जो है देखने को मिलती है। इसे कहते हैं सुपीरियर ओवरी, जो पेरिगाइनस फ्लावर होते हैं उसमें ओवरी सबसे ऊपर होती है, बाकी सारे के सारे जो फ्लावर फ्लोरल साइकिल है वो ओवरी के नीचे से निकलते हैं। फ्रूट एंड सीड की बात करें तो फ्रूट जो है इनमें लेग्यूम या पोड होते हैं या फिर अरेकिस के अंदर लोमेंटम टाइप के सीड्स फ्रूट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ये तो है पोड या लेग्यूम। लोमेंटम में हर एक सीड के बाद एक कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो पोड के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसे लोमेंटम पोड कहते हैं। ठीक है, अरेकिस के अंदर फ्रूट जो हैं वो जियोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि सॉइल के नीचे प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर नीचे चला जाता है और वहीं पर जो है फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। डेलवर्ज या सीसो में बात करें तो यहाँ पर फ्रूट जो हैं वो इनडहिसेंट होते हैं, विंग होते हैं। ठीक है, और विंग्स जो हैं वो किससे बने होते हैं, पेरिकार्प से जो है विंग्स का फॉर्मेशन होता है, और इनके जो सीड्स हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। डेलवर्ज या सीसो का फ्रूट है। ठीक है, अब पॉलिनेशन और डिस्पर्शल की बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है एरेकिस और पी के अंदर, बाकी जो अदर मेंबर्स हैं उनमें या तो इंसेक्ट पॉलिनेशन पाया जाता है जो कि ज़्यादातर हनी बीज के द्वारा होता है। यह है इसका फ्लोरल स्ट्रक्चर और फॉर्मूला। BR का मतलब होता है ब्रैक्टिएट, यह है इसका ब्रैक। ठीक है, जब परसेंट का साइन बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसकी सिमेट्री जो है वो कैसी है। ठीक है, जब ये वाला सिंबल आप बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें सारे के सारे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल। इसके बाद है बाह्य दल यानी कि सेपल 5, और जब इसको आप ब्रैकेट में लेते हैं इसका मतलब ये कैसे हैं, 5 सेपल्स हैं जो कि गैमोसेपलस हैं। यहाँ पर देखिए 5 सेपल्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं। जब जुड़े हुए पाए जाते हैं तो उसको हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चले हम, कोरोला जो है वो 1+2+2 के अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 1, ये हो गए 2 और ये है 2, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं इसलिए इनको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो ये कौन से हैं, कील वाले जो कोरोला हैं वो हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो एंड्रोसियम जो है 1+9 यानी कि डाई एडल्फस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। इसमें चित्र गलत बना हुआ है, बाकी होता ये है कि ये एक तो फ्री होता है और बाकी 9 जो हैं एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद गाइनोसियम, ठीक है, और मोनोकार्पलरी कार्पलरी ओवरी जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है जिसका चित्र यहाँ पर बना हुआ है। तो या तो आप फ्लोरल फॉर्मूला को याद कर लें या आप फ्लोरल स्ट्रक्चर को याद कर लें, तो दोनों से ही आप दोनों चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो ये पेपिलियोनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला है। अब मेंबर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके अंदर। पल्सेस यानी कि जो दालें हैं वो इसी पेपिलियोनेसी के अंदर आती हैं। कौन कौन सी दालें हैं, वेगना मूंगो जिसका सिनोनिम है फेस्टियोलस मूंगो, ब्लैक ग्राम या उड़द की दाल, साइसर एरियंटम जिसे चिकपी कहते हैं या अरहर की दाल, कैजेनस कैजन, पिजन पी और रेड ग्राम, विग्ना रेडिएटा इसका सिनोनिम है फेसियोलस रेडिएटस मूंग और ग्रे ग्राम, विग्ना अंगुलीकिलेटा इसका सिनोनिम है विग्ना साइनेंसिस यानी कि लोबिया, विग्ना अकोंटीफोलिया इसका सिनोनिम है फेसियोलस अकोंटी फोलियस जिसे कि मोठ या ड्यूग्राम कहते हैं, लैंस क्लिनेरिस इसका सिनोनिम है लैंस एस्क्यूलेटम जो कि मसूर की दाल होती है, फेसियोलस वल्गेरिस राजमा और किडनी बीन, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन इसके अंदर मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट होता है, लथाइरस सटाइवस इसे खसेरी दाल कहते हैं, अगर इसको ज़्यादा हम खाते हैं तो पैरालिसिस हो जाता है और इस डिजीज को क्या कहते हैं, लथाइरिज्म कहते हैं। वेजिटेबल्स कौन कौन सी हैं जो पेपिलियोनेसी के अंदर आती हैं, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेसियम जो कि है फेन्योग्रीक या मेथी, लबलब परप्यूरस इसका सिनोनिम है डॉलिकोस लबलब सेम, विक्सिया फाबा ब्रॉड बीन और बाकला, पाइसम सटाइवम पी और मटर, फेसियोलस साइनेंसिस चवला, फेसियोलस ल्यूनेटस लेमा बीन, फेसियोलस वल्गेरिस राजमा और किडनी बीन।
ऑयल जो है कौन कौन सी पेपिलोरिसिस मेंबर से प्राप्त होता है, ग्लाइसिन मैक्स यानी कि सोयाबीन, एरेकिस हाइपोजिया यानी कि ग्राउंडनट, और पोंगामिया पिनाटा। फॉडर कौन कौन से हैं, मेडिकागो सटाइवा, अल्फा अल्फा या रिजका जिसको कहते हैं, मेलिलोटस पर्विफ्लोरा यानी कि म्यूरेला, ट्राइफोलियम रेपेंस और ट्राइफोलियम इनकार्नेटम, विग्ना अकॉन्टिफोलिया यानी कि मोट, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, विग्ना अंगुलिक्युलाटा। फाइबर्स कौन कौन से हैं, सनहेम यानी कि क्रोटोलेरिया जुन्सिया पेपिलोनेसी का मेंबर है, सिस्बेनिया सिस्बेन, सिस्बेनिया बाई स्पाइनोसा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसे ढाक पलाश या टेसू कहते हैं। डाई कौन कौन से प्लांट से प्राप्त होती है, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया जिसे इंडिगो या नील कहते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी ढाक, इससे ऑरेंज या रेड कलर की डाई मिलती है, एस्ट्रेगेलस गमीफर एंड टेरोकार्पस सेंटेलिनस जिसे रेड सैंडल वुड कहते हैं। टिम्बर है डेलबर्जिया सीसो यानी कि शीशम, डेलबर्जिया लैटीफोलिया यानी कि ब्लैक शीशम, डेलबर्जिया मेलेनोजाइलन यानी कि अफ्रीकन ब्लैक वुड, टेरोकार्पस सेंटेलिनस यानी कि रेड सैंडल वुड, टेरोकार्पस मार्सियोपियम यानी कि बीजा साल या इंडियन किनो। मेडिसिंस में कौन कौन से काम आते हैं, ग्लाइसीराइजा ग्लेब्रा जिसे लिकोरिस या मुलहेटी कहते हैं, एब्रस प्रिकेटोरियस इसे ज्वेलर्स वेट, चिरमी रक्ती या क्रैब्स आई प्लांट कहते हैं, टेरोकार्पस मार्सुपियम यानी कि बीजा साल या इंडियन किनो, एंड डॉलिकस बाइफ्लोरस, ये पेपिलोनिसिस प्लांट्स जो हैं मेडिसिंस में यूज किए जाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट हैं लेथाइरस ओडोरेटस यानी कि स्वीट पी, एरिथ्रिया इंडिका यानी कि इंडियन कॉरल ट्री, सस्बानिया ग्रैंडिफ्लोरिया यानी कि अगस्त्य, क्लिटोरिया टर्नाटा यानी कि बटरफ्लाई पी, डेस्मोडियम गायरेंस यानी कि इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। इंसेक्टिसाइड्स कौन कौन से हैं, रूट्स ऑफ डेरिस पिनाटा एंड डेरिस एलिप्टिका, इसकी रूट से इंसेक्टिसाइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ टेफ्रोसिया वोगेली भी इंसेक्टिसाइड।